काम बनता भाड़ में जाए जनता। नहीं भाभी जी, आप हमारे तात्पर्य का गलत मतलब निकाल रही हैं। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि आप मुझे गलत नहीं समझ रहे हैं, बल्कि बाकी लोग, पूरी दुनिया भी मुझे गलत समझती है। भाभी देखिए, अब आप मुद्दे से भटक रही हैं। भाभी जी मुद्दे से भटक रही हैं। क्या कहा आपने? मैं भटकी हुई हूँ? आपका मतलब है कि मैं भटकी हुई हूँ? मैं भटकी हुई आत्मा हूँ, यानी कि मैं चुड़ैल हूँ? नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। मीन, एक तो बेचारे वो तीनों बेघर हो गए और ये उन्हें घर से निकालने की सोच रहे। झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा, हाय हाय हाय, झुमका गिरा रे गर्मी के बाजार में, झुमका गिरा रे। भाभी जी कसम उड़ान झल्ले की, अगर आपका झुमका बरेली के बाजार में गुम हो गया है ना, तो हम बरेली का चप्पा चप्पा छान मारेंगे, लेकिन आपका झुमका लेके आएंगे। नहीं नहीं भरभूति जी, हमारा झुमका कहीं गिरा नहीं है, हम तो ऐसे ही गुनगुना रहे हैं। हम भी तो छोड़ ही रहे थे भाभी जी। हम कहाँ बोल रहे थे, हम ना एक तो शेर लिखे हैं, कर्ज किए हैं। भाभी जी, इट्स नॉट कर्ज, अर्ज, अर्ज किया है। सही पकड़े हैं, सुनाएगा? इरशाद, इरशाद, इरशाद। हाँ, तो कनस्तर के ऊपर कनस्तर, कनस्तर पे रखा आम, हमें अगर राधा अतलेटू के भैया साम। अभी जी मैं ये मानने को तैयार हूँ कि आप राधा हैं, मैं तो मानता हूँ कि आप राधा हैं, लेकिन आपके लड्डू के भैया किस एंगल से शाम है, किस तरह के शाम है, वो तो कंस है, कंस। क्या बोले? अभी जी एक शेर हमने भी लिखा है, अगर आप कहें तो नजर करें आपको। सुनाइए ना, ना साथ, ना साथ। भाभी जी, इरशाद, इरशाद। सही पकड़े हैं, सुनाइए। भाभी जी अर्ज किया है कि तुम मेरी मोहब्बत हो। भाभी जी तुम मेरी मोहब्बत हो। भाभी जी पूरा घर खुशबू से महक रही है, का बना रही हो? हाँ कहा ना चलो भैया कि आज आलू मटर का सब्जी और पराठे बना रहे हैं। अरे वाह भाभी जी, मजा आ जाएगा, सच्ची कह रही हूँ। भाभी जी आप ना वो क्या कहते हैं कि थोड़ा सा ना रायता और बना लियो, चार चार लग जाएंगे। हाँ ठीक बा, बना देंगे। अरे सेठ जी कैसे हो? खाना खा के जाइयो। घर तेरे बाप का है ना बे। आप शेर सुना रहे थे भरभूति जी। पूरा मूड ऑफ कर दिया इसने। अभी जी शेर अर्ज है कि तुम मेरी मोहब्बत हो। भाभी जी जे का बना रही तुम? हाँ आलू मटर का सब्जी और गर्मा गर्म पराठे और साथ में रायता भी है। रायता बना रही? भाभी जी एक काम करियो, बूंदी वाला बना दियो, मैंने बहुत दिन से ना बूंदी वाला रायता ना खाया हुआ है। हाँ ठीक बा, बना देंगे। भैया जी साथ में एक मनुष्य यार भी सो रहा है।
100% तमन्ना अबे तो वाकई भभूति है। भतिया, अब इतनी रात को हमरे बेडरूम में क्या कर रहे हैं? भाभी जी, आपकी बेडरूम की खिड़की के नीचे सीढ़ी लगी हुई देखी, मुझे लगा कोई चोर चढ़ गया आपके घर में। आए उसको पीछा करते करते अंदर आया। आए अरे तो फिर पर्दे के पीछे कहाँ घुसे पड़े थे? आए एक्चुअली मैं बस घुसा था तो मुझे बाथरूम में से किसी के निकलने की आहट सी हुई तो मैं यहाँ दुबक गया, मुझे लगा कोई चोर घुसा आया है। एक दो तीन चार मकान वापस कर दे यार। पांच छह सात कर देंगे खड़ी हम कार। नौ दस ग्यारह बारह क्या रुका है बेबे? बारह के बाद कुछ नहीं होता है क्या? तुम तिवारी जो छोटो रहते कम हल्ला में रायता फैला रहे हो। रायता नहीं फैला रहे हो, आंदोलन कर रहे हो। तुम बड़े आंदोलनकारी बन रहे हो। तुम्हें कैसे हट रहे कि नहीं? तुमने कहा है आंदोलन हम पूरो नहीं हटेंगे, कर लो जो करना है। तिवारी हम तुम्हें सीधी तरह समझा रहे हैं, चुपचाप अपने जो बोरिया बेचते रहते हटा लो। कसम से कह रहे हैं पिछवाड़े इतने डंडा पेलेंगे तुम्हारे कि तुम आंदोलन को सारे नाम सुनोगे ना तुम्हारे गुर्दा कांप जाएंगे। भैया ये आपको सिर्फ गिदड़ भक्किया दे रहे हैं, आप बिल्कुल भी डरिए मत, अड़ जाइए आप लौंडे के लीडर हैं, ठीक है? या गीदड़ भपकियों से डरने वाले नहीं है हम, हमें पता है आपने बिल्डर से नछावर खाई है। तुम ससुर तिवारी भरे सबके सामने हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे, तुम्हारी ससुर तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई? अरे हार गया, 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 मुंह में मार, मुंह में मार, सारे के यही मुंह से आंदोलन कर रहे हो। ले आंदोलन, ले आंदोलन, ले आंदोलन, घेर जा सकते ना तुम, हम सारे को कुचल देंगे मुंह। दरगा जी प्लीज मुझे मारिए ना, मुझे मारिए ना, मुझे मारिए। वो कच्चे बनियान को क्यों मार रहे हैं? मुझे मारिए ना, मारिए मारिए। तुम ससुर हम मन तो कर रहे हो तुम्हें मार मार के तुम्हें मुंह में भूसा भर दे, लेकिन लेकिन हम वकीलों पे हाथ नहीं उठा सकते ससुर। आई डोंट लाइक इट। तुम मरो जाके वहां, पेलो ही के पेलो तुम। ले आंदोलन, ले आंदोलन, सारे ये क्या हो रहा है? भैया आगे देखो को मार रहे हैं। अब तो सिंह जी क्या कर रहे हैं आप? देखो गोरी मैम, जिस ससुर तिवारी के आंदोलन के चक्कर में पूरा रोड जाम हो गया हुआ है ससुर। अप्पू सिंह जी आपको पता भी है उस बिल्डर ने इन सबके साथ ना इंसाफी की है। हम आपसे बहुत नाराज हैं। क्या हुआ क्या? इसलिए कि आप हमसे प्यार ही ना ही करते हैं। अरे नहीं पगली, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम कहो तो तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाए। भाभी जी, ये क्या हो रहा है भाई?